तो क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं हूँ तुम्हारा वर्जिन यूट्यूबर। मुझे समझ नहीं आता आजकल का युवा किस और जा रहा है, मतलब बात बात पे लंड हिलाने लग जाता है। अगर मूड खराब हो हिला लिया, मूड अच्छा हो हिला लिया, घर पे कोई नहीं हो हिला लिया, अगर नहाते समय वहाँ पे हाथ चला गया हिला लिया, गर्मी ज्यादा हो गई हिला लिया, ठंड ज्यादा हो गई हिला लिया। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। मैं तो कहता हूँ चलो आज फ्रस्ट्रेशन निकाल ही देते। एक बात बताओ बे, पहले तुम ही लोग 10th क्लास में ये ज्ञान देते हो कि जैसे ही कोई लौंडा 18 साल का हो जाता है उसकी बॉडी में सेक्स हार्मोन का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, और ये भी कहते हो कि अगर उस हार्मोन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और आज जब देश का युवा उस थ्योरी का प्रैक्टिकल कर रहा है तो तुम माखन चोरों ने अपना दोगलापन दिखाते हुए पॉर्न ही बैन कर दिया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। मुझे सबसे ज्यादा उन लोगों पे गुस्सा आता है जो YouTube पे आके ये ज्ञान देते रहते हैं हिलाने से ये होता है वो होता है फलना ढिमकाना। उन लोगों से बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, हम हिलाना बंद कर देंगे, बस तुम हफ्ते में एक बार अपनी बुंड पे नारियल का तेल लगाकर हमारे घर आ जाया करो। कोई तरीका है भीख मांगने का? क्यों नहीं? नहीं भाई, मतलब एक वीडियो बनाओ समझ में आता है, दो वीडियो बनाओ चलेगा, लेकिन नहीं, ये साले हरामी हर महीने हिलाना कैसे बंद करें, हिलाने से बचें, ऐसे झाटू झाटू टॉपिक पे वीडियो बनाकर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को समस्या बना के छोड़ दिया है। देश संकट में है। ये जो भी फोकट में ज्ञान देते हैं ना, कभी इनके फ्रेंड सर्किल में जाना, मैं गारंटी देता हूँ उस पूरे ग्रुप में यही सबसे बड़ा मुट्ठा लोग। अरे मेरा तो मानना ये है कि जो भी नल्ला ये कहता है कि वो हिलाता नहीं है, तो या तो साले के पास लंड ही नहीं है, नहीं तो पक्का साला फिंगरिंग लवर है। जो इसमें आया। अरे मेरा भाई, जरूरत से ज्यादा आदमी पढ़ने पे भी मेंटल कहलाता है, ये तो फिर लंड ही है। कायदे में रहो फायदे में रहोगे। अब इन सब बकचोदी से दूर कुछ हवसी बोले तो एडिक्टेड जानवर भी होते हैं, उनके डेली रूटीन का हिस्सा होता है हिलाना। और जब भी कोई इनको मना करता है तो ये गर्व से कहते हैं इससे माइंड फ्रेश होता है, पढ़ने में मन लगता है। इन सुअरों को कोई ये बताओ कि अगर इनका बाप भी माइंड फ्रेश करने के लिए हिलाने लग जाता तो आज ये धरती पे ना होते। शीघ्र पतन कैसे रोके, अपने लिंग का साइज दुगना कैसे करें, गुप्त रोग। साला दीवारों पे इन चीज का इतना पोस्टर लगा होता है कि अगर कोई फॉरेनर आए तो उसे लगता है कोई मूवी रिलीज हो रही है। अब अंत में बस यही कहना चाहूंगा, मजा आ रहा है, पार्ट टू बनाए या फिर नहीं सुधरोगे? और हाँ, लाइक करो, कॉमेंट करो, हिलाते रहो, सब्सक्राइब बटन बे। Nope.